अगर आप भी रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा ना फ्रेंड, तो आप सीख जाइएगा कैसे आपको अपना रियलमी मोबाइल का लॉक तोड़ना है। रियलमी मोबाइल अभी एक ऐसा मोबाइल चल रहा है फ्रेंड, जो कि बैटरी स्ट्रॉन्ग, बैटरी का कैपेसिटी इतना रहता है कि वो कभी भी बैटरी लो होता ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा यूज करोगे तो लो होगा, नहीं तो उसमें बैटरी फुल होता है। तो फ्रेंड, अगर आपके पास भी रियलमी मोबाइल है और रियलमी मोबाइल आपसे इस प्रकार लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप इस सिचुएशन में बहुत परेशान हो जाते हो। आप डायरेक्ट जाते हो सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर वाले आपसे पैसा लेते हैं, आपका समय लेते हैं, और जब आपका फ़ोन आपके हाथ में अनलॉक करके देते हैं ना फ्रेंड, तो आपके फ़ोन के अंदर का एक भी डाटा सेफ नहीं होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है, टोटल का टोटल डाटा डिलीट हो चुका रहता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको डाटा सेफ रखना है और कैसे आपको अपना रियलमी मोबाइल अनलॉक करना है, वो भी बिना सर्विस सेंटर गए हुए। आपको सर्विस सेंटर भी नहीं जाना है, अपने हाथों से आपको अपना रियलमी मोबाइल अनलॉक करना है, वो भी बिना डाटा डिलीट किए हुए। तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहता हूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहेगा फ्रेंड। तो सबसे पहला वर्क आपको फ्रेंड अपने स्किन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करना है। जब आप स्वीप अप करोगे तो जीरो के नीचे आपको इमरजेंसी कॉल दिखाई देगा, जीरो के नीचे इमरजेंसी कॉल दिखाई देगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड। तो आपको इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करना है, और जब आप इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू डायलेड होगा, या न्यू कीपैड भी इसको बोल सकते हैं। तो न्यू डायलेड में आपको *#899# पे क्लिक करना है। मैंने अभी *#899 क्लिक किया है, हैज नहीं क्लिक किया। आप देखना, मैं जब हैज क्लिक करूँगा आपके सामने एक न्यू पेज खुलेगा, और वो भी, तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि आपके सामने एक न्यू पेज खुला है, और वो पेज का नाम यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इंजीनियर मोड। इस इंजीनियर मोड में आप कितना ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा फ्रेंड, आप कंफ्यूज मत होना। आपको वही वर्क करना है जो वर्क मैं बता रहा हूँ। आपको पांचवा नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर वर्जन पे। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सॉफ्टवेयर वर्जन पे, और आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन पे ये देखना है कि एंड्रॉयड वर्जन कितना है। जैसा कि एंड्रॉयड वर्जन इस फ़ोन का 11 है, यहाँ पे शो कर रहा है, तो आपको इस फ़ोन में 11 टाइम क्लिक करना है। अगर आपके फ़ोन में 9 रहे, 7 रहे, 6 रहे, तो आपको उतना टाइम क्लिक करना होता है, लेकिन यहाँ पे 11 है तो हम 11 टाइम क्लिक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 टाइम कॉल करके आपको इस पेज से वापस निकल जाना है। पांचवा नंबर पे अभी आप वर्क किए, जस्ट आपको चौथा नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो है मैनुअल टेस्ट। चौथा नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है मैनुअल टेस्ट पे। फर्स्ट पेज छोड़ के सेकेंड पेज पे आना है, और आपको जी सेंसर सर्च करना है कि जी सेंसर है कहाँ। जी सेंसर यहाँ पे, सेंसर के नीचे जी सेंसर पे क्लिक कर देंगे, और इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और इसको कम से कम 10 सेकंड के लिए इसको रनिंग करते हुए छोड़ देंगे, ताकि आपके फ़ोन में जो भी FRP कोड लगा हुआ है वो टूट जाए। और जब आपको लगे कि 10 सेकंड हो चुका है, तो आप इसको बैक कर सकते हो, इसको बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद जायरोस्कोप है, वहाँ पर क्लिक करना है। जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट सेकेंड नंबर ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके पास लाना है। अगर आपका एक बार में पास नहीं आया, एक बार फेल आ गया, दो बार फेल आ गया, तो आप कंटिन्यू ट्राई करते रहिएगा, पास ज़रूर आएगा मेरे भाई। पास ही आएगा तो ही अनलॉक होगा, अन्यथा अनलॉक नहीं होगा। तो हम क्लिक करते हैं और देखते हैं मेरा पास आता है या फेल। तो आप देख सकते हो जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट मेरा पास हो चुका है। अब हम इसको बैक कर लेंगे, और चार्ज टेस्ट के नीचे आप देख सकते हो फ्रेंड सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन। सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, दो ऑप्शन है। आपके रियलमी फ़ोन में मॉडल चेंज होगा तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, सबको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर दीजिएगा, और एक पास आने तक का वेट कीजिएगा। एक पास आ गया, अपना काम हो गया भाई, एक पास आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, मैं दोनों को स्टार्ट करूँगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, येल्लो हो जाएगा, तो आप समझ जाना ये स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो येल्लो हो चुका है, और ऊपर का पास आ चुका है और नीचे का फेल आ चुका है।
तो अब मेरा काम हो चुका है, हम अब चलेंगे सबसे लास्ट पेज पे। रीड राइट इम्पोर्टेंट लॉक टेस्ट अदर्स का सेकेंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहला बार में इसको कैंसिल कर देना है, दूसरा बार में इसको ओके कर देना है। अगर आपके भी स्क्रीन पे रॉन्ग पासवर्ड शो करे तो समझ जाइएगा आपका पासवर्ड रिसेट होना स्टार्ट हो चुका है। तीसरा नंबर स्टेटस है लॉक का स्टेटस, वहाँ पे क्लिक करके चेक करेंगे यहाँ पास है या फेल। हमको सब जगह पास चाहिए, फेल कहीं नहीं चाहिए भाई, फेल आएगा काम खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी पास 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 है, इसका मतलब मेरे वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से आपका पैटर्न पिन पासवर्ड अब टूट चुका है, इसीलिए यहाँ पास पास शो कर रहा है। रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर लास्ट वर्क और लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके अगर यहाँ भी पास दिख गया ना भाई तो सच में आपका रियलमी फ़ोन अनलॉक, वो भी विदाउट डाटा लॉस। तो आइए हम चेक करते हैं, यहाँ भी पास है। तो यहाँ पे होम बटन है फ्रेंड, होम बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो आपका फ़ोन अनलॉक हुआ है या नहीं। अगर आपके रियलमी फ़ोन में स्वीप अप है तो आप स्वीप अप करो, लेकिन यहाँ पे होम है तो मैं होम बटन पे क्लिक करता हूँ। और हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है, इसका पासवर्ड लॉक टूट चुका है मेरे वर्क के अनुसार, और डाटा भी सेफ है, आप देख सकते हो अपनी आँखों से। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पैसा बचाया, समय बचाया, डाटा ही बचाया। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।